दोस्तों मैं शाहबाद आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इलेक्ट्रिक पॉइंट में। और दोस्तों आज मैं आपके लिए ड्यूटी पेयर को रिपेयर करने की वीडियो लेकर आया हूँ। तो दोस्तों आज ड्यूटी पेयर का जो एरर मैं आपको दिखा रहा हूँ वह बहुत ज्यादा कॉमन है और अधिकतर सभी तरह के ड्यूटी पेयर में वह एरर आता रहता है। आपने देखा होगा कि जब कभी कभी हम क्लोज का बटन दबाते हैं तो हमारी डिस्क ट्रे अंदर जाती है और कुछ देर बाद दोबारा वापस आ जाती है। यह एरर बहुत ज्यादा कॉमन होता है, तो आज मैं आपको यही बताऊंगा कि एरर को बड़ी ही आसानी से किस तरीके से दूर किया जाए। तो दोस्तों आप वीडियो में देखिए, जब हमने क्लोज का बटन दबाया तो हमारी ट्रे अंदर गई है और कुछ देर बाद बाहर आ गई है। दोस्तों सबसे पहले आप इसके केस को ओपन कर लीजिए और देखिए दोस्तों, जब हमने क्लोज का बटन दबाया तो हमारी डिस्क ट्रे अंदर गई और डिस्क ट्रे के अंदर जाने के बाद ना तो हमारा डिस्क रोटेटर ऊपर हुआ और ना हमारा लेंस के ऊपर रेड कलर की लाइट ब्लिंक करी, जो यह बताता है कि हमारी डिस्क ट्रे अंदर आ चुकी है। ये दोनों ही फंक्शन हमारी ड्यूटी पेयर में नहीं हुए हैं और एक लिमिट स्विच है उसको ऑन होना चाहिए, वो भी ऑन नहीं हुआ है। और देखिए, और जब हम इसको हाथ से जोर से अपने पुश कर रहे हैं और अपने डिस्क ट्रे को अंदर डाल रहे हैं, तब यह दोनों फंक्शन हो रहे हैं, जैसे कि आप अपनी वीडियो में देख सकते हैं। तो इससे दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें आपकी ये जो स्लाइड मोटर लगी हुई है साइड में, यह खराब है, तो इसलिए आपको इसकी स्लाइड मोटर चेंज करनी होगी और इसकी जो बेल्ट है, बेल्ट भी लूज हो गई है, आपको इसकी बेल्ट भी लूज करनी होगी। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको इस वीडियो में दिखाता हूँ कि स्लाइड मोटर को और इस बेल्ट को किस तरीके से चेंज किया जाए।
और देखिए दोस्तों, जो हमने अपनी स्लाइड मोटर और अपनी बेल्ट को रिप्लेस कर दिया तो हमारा डीवीडी की ट्रे क्लोज होने लग गई और हेड डिस्क को भी प्ले करने लग गई। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी प्लीज वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और दोस्तों इस तरह की अमेजिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम।